नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर एमन अलेक्जेंडर नाम के एक बहुत बड़े डॉक्टर है दोस्तों, और उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था, और उस एनडी का अनुभव में उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है प्रूफ ऑफ हेवन। उस किताब के बारे में भी मैंने आपके सामने मतलब बहुत बार जिक्र किया है उसका। और उस किताब में दोस्तों डेविड रोमानो नाम के एक लेखक ने एक कविता लिखी है, उस कविता को उस किताब में ऐड किया है। जो एमन अलेक्जेंडर जी है उनके बहन ने उस कविता को दोस्तों एमन अलेक्जेंडर जी को भेजा था, और उनको वो बहुत ही अच्छी लगी थी। उन्होंने खुद से कहा है कि मुझे ये किताब कविता इतनी अच्छी लगी कि मैं अपने किताब में इसको डालने का जो मोह है वो नहीं मतलब ये कर पाया उस पर कंट्रोल, और इसलिए उन्होंने मतलब उस कविता को उस किताब में डाला है। वो जो कविता है मैंने भी जब पहली बार सुनी दोस्तों, पहली बार पढ़ी थी, तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी, एकदम आँखों में आंसू आ गए थे। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको उसके मतलब वो सारी जो कविता है मैं आपके सामने रखूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मैंने पहले भी आपको कहा था कि मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको अच्छे से मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया। उस किताब को जो प्रूफ ऑफ हेवन किताब है वो हिंदी में संस्करण उसका नहीं आया है, हिंदी में उसका प्रोफेशनली ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। उसका जो ट्रांसलेशन है मराठी किताब में हुआ है, मराठी में उसको निकाला है, तो मैंने उसको मराठी में ही पढ़ा था, और मराठी टू हिंदी में मैंने उसको ट्रांसलेशन किया है। ट्रांसलेशन ये जो काम है दोस्तों, और ज़्यादातर पोएम्स का वगैरह, क्योंकि पोएम्स में एक अलग मतलब छोटे शब्दों में ज़्यादा अर्थ होता है। कोई एक कह रहा है कि मैं पानी पी रहा हूँ तो उसका ट्रांसलेशन एकदम आराम से हो जाएगा, लेकिन कोई कविता है उसको हमें मतलब उसी भाव से लोगों के सामने रखना होता है, इसलिए थोड़ा सा मैं वक्त ले रहा था, और अपने हिसाब से मैंने उसको ट्रांसलेशन किया है दोस्तों मराठी टू हिंदी। लेकिन जहाँ पर मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं दोस्तों कि जो उस तरीके से उस भाव से ही लोगों के सामने रखने चाहिए, इसलिए थोड़े से बदलाव भी मुझे उसका करना पड़ा। कुछ लोगों को मतलब ये अच्छे नहीं लगते बदलाव, उनको लगता है कि ओरिजिनली मुझे सुनना है, तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में जो ओरिजिनल पोएम है उनकी इंग्लिश में वो दे रहा हूँ। इंग्लिश जिनका अच्छा है तो वो उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, या फिर जिनको हिंदी में अच्छे से कंफर्टेबली ये कर सकते हैं उनके लिए मैं हिंदी में ये मतलब आपके सामने रख रहा हूँ। डेविड रोमानो ने ये जो कविता है दोस्तों 1993 में लिखी थी, उनका जो क्रेडिट है उनको ही जाएगा, और बहुत ही अच्छे से ये कविता लिखी है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, दो बातें कुछ कहना चाहता हूँ इस कविता के बारे में। सबसे पहले ये कविता जो है आत्मलोक का, जिसको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, ऐसे इंसान ने ये कविता नहीं लिखी। ये टूटे दिल से किसी के दिल से कविता निकलती है, या फिर एक हस्बैंड जो होता है वो अपने वाइफ को छोड़कर हमेशा के लिए समझो मृत्यु के बाद जा रहा है, तो उसकी जो आत्मा है अपने प्यारी मतलब पत्नी को वो क्या कहेगी, कुछ इस तरीके से इस कविता के भाव है। लेकिन हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि एक इंसान अपने पत्नी के लोग कुछ कैसे कह रहे हैं। इस कविता को हमारे अपनों से जोड़कर हम ना देखें तो अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ी सी इमोशनल ही टाइप की कविता है। कुछ मतलब गाने भी आपने देखे होंगे कि आपका अच्छा मूड है लेकिन उस गाने को सुनकर हमारा मूड दुखी हो जाता है, तो वैसे टाइप की थोड़ी सी ये कविता किसी को लग सकती है। लेकिन मतलब कभी कभी दर्द भरे गाने भी एक अलग सी खुशियाँ देते हैं, तो वैसे आप इस कविता को देखें तो अच्छा है। तो ये बात मुझे आपको कहनी थी, इस कविता के ही जैसे हमारा जीवन होगा और उस तरीके से स्वर्ग वगैरह उसमें थोड़ा सा उसमें वर्णन किया है, वैसे ही होगा ऐसा ज़रा भी नहीं है। उसके लिए आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं, या फिर जिन थेरेपिस्टों ने बड़े बड़े किताबें इस पर लिखी है उसको आप पढ़ सकते हैं। बस ये मुझे अच्छी लगी, हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है वो मैम मतलब दूसरे को बताते हैं कि ये ज़रूर पढ़ो या फिर ये ज़रूर देखो, तो इस तरीके से मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। लेकिन ये कविता जो है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी है, तो मैं आपके सामने वो कविता जो है वह भी पढ़कर हिंदी में दिखाता हूँ दोस्तों। जब कल का दिन मेरे बगैर शुरू होगा, लेकिन वह देखने के लिए शायद मैं नहीं रहूँगा। उस वक्त जब सूरज निकलेगा तब उसे ज़रूर तुम्हारी आँखें दिखेंगी। उस आँखों में हो सकता है कि मेरे लिए आंसू आए हो, पर मेरी दिल से यह इच्छा है कि तुम मेरे लिए मत रोना। अब तक तुमने जो भी चीज़ें की है हमेशा सोच समझ कर की है। मैं इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। तुम्हें हर वक्त मेरी याद आती है। हो सकता है कि तुम्हें अब मेरे बिना सुना सुना सा लगे, पर कल का दिन जब मेरे बगैर शुरू होगा तुम समझ लेना कि एक फरिश्ता आया और उसने मेरा नाम पुकारा। उसने मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे लेकर गया और उसने मुझसे ये कहा कि तुम्हारी एक जगह निश्चित है, वह बहुत ऊपर स्वर्ग में थी। इस कारण से मुझे सब कुछ छोड़कर अचानक जाना पड़ा। जिन पर मेरा बहुत ही ज़्यादा प्यार था उनका भी मुझे त्याग करना पड़ा। मैं जब यहाँ से जा रहा था तब मेरे आँखों से आंसू आ रहे थे।
मेरी इस दुनिया से जाने की ज़रा भी इच्छा नहीं थी। मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए जीने की बहुत इच्छा थी, बहुत सारी बातें जो अधूरी ही रह गई थी। मौत को गले लगाना यह मेरे लिए असंभव था, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा। मुझे पुराने सारे दिन याद आ रहे हैं, हमारे अच्छे और हमारे बुरे दिन भी। हमने जो एक दूसरे से प्यार का बहुत ही सुंदर रिश्ता निभाया वह भी मुझे याद आया। अगर मुझे कुछ पल जीने के लिए और मिले होते तो मैं उस थोड़े से समय में तुम्हें ज़रूर अलविदा कह कर जाता। क्या पता उस समय हो सकता है कि मुझे तुम्हारे चेहरे पर मेरे लिए स्मित हास्य दिखाई देता, पर मैं अब समझ चुका हूँ कि ऐसा शायद कभी भी नहीं होगा। तुम्हारे दिल के उस यादों के कोने में मेरे लिए एक छोटी सी जरूर जगह होगी, ये मुझे पता है। मेरे मन में जब ऐसे भौतिक विचारों का उभार आता है तब तो ऐसे लगता है कि कल का दिन मैं भूल ही जाऊँ। मेरे मन को जब तुम्हारी याद आई तब मेरा दिल दुख से पूरे तरीके से भर गया। मैं स्वर्ग के प्रवेश द्वार से जब अंदर गया तब मुझे हमारे घर की याद आई। जब स्वर्ग के उस परमेश्वर ने मेरी ओर नीचे झुककर देखा और स्मित हास्य किया तब उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम्हारा यही स्वर्ग का जीवन असली और शाश्वत है, और मैंने जो तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा वह यही सुंदर जीवन है। तुम्हारा जो पृथ्वी का जीवन था वह अब इतिहास बन चुका है। तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत अब यहाँ पर होने वाली है। कल आखिर क्या होगा इसका दावा मैं तुम्हें नहीं कर सकता, लेकिन आज का जो वर्तमान है वह समय हमेशा रहने वाला है। इंसान के जीवन में हमेशा ऐसे ही होता आया है, इस वजह से उसके भूतकाल के साथ उसका बाद में कोई भी संबंध नहीं रहता। तुम एक भरोसेमंद इंसान बनकर अपने जीवन में जीते रहे। तुमने हमेशा मुझ पर विश्वास रखा है। मैं जानता हूँ तुमने हमेशा सत्य की राह पर चलने की कोशिश करी है। अगर हम कुछ समय पीछे जाए तुम्हारे अतीत में तुमने कुछ ऐसी भी चीज़ें की है जो तुम्हें नहीं करनी थी, पर उसके लिए तुम्हें अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन सारी बातों के लिए मैंने तुम्हें क्षमा किया है और तुम उन सारे पापों से अब मुक्त हो गए हो। इसलिए अब तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ नए ज़िंदगी की शुरुआत करो। यह सारी बातें उस परमेश्वर ने मुझे कही। जब कल का दिन मेरे बगैर शुरू होगा तब हम एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होंगे। जब भी तुम्हें दिल से मेरी याद आएगी तब हमेशा मैं तुम्हारे दिल में रहूँगा।